हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला फिश करी। फिश करी के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। ये अदरक है, अदरक को डाल देंगे हम इसमें। 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 मोटी इलायची, 1 लहसुन लेंगे हम, इसमें डाल देंगे जार में। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बनाएंगे हम फिश, तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। और इसके गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। गैस को थोड़ा सिम रखेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी ज्वैन, जीरा, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 हरी हरी मिर्च कटी हुई, अब हमने जो मसाला तैयार किया था प्याज अदरक लहसुन वाला, वो अब हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी तेज कर लेंगे और मसाले को हम तेल छूटने तक भून लेंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूखी मेथी, ये वाली सूखी मेथी, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की पेस्ट। ये 5 टमाटर हैं, इसकी मैंने पेस्ट बना ली। अब ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको तेल छूटने तक भून लेंगे। थोड़ी देर भून लेने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, काली मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, मीट मसाला 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको घी छूटने तक भून लेंगे। मसाला जब पक जाए तब हम इसमें एक डालेंगे भुना जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें फिश डाल देंगे। फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है, नमक और नींबू लगा के इसको अच्छे से वॉश कर लिया ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इस मसाले में इसको डाल देंगे फिश को। ये 1 kg फिश है ये। अच्छे से हम इसको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे।
अब हम फिश को चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिश कड़ी बन के रेडी है, ये पक चुकी है पूरी तरह। अब हम इस पे डालेंगे ये अदरक, मैंने ये लंबा काट लिया, इसको डाल देंगे। ऊपर से हम इसके हरा धनिया, फिश करी बन के रेडी है। हमारी मसाला फिश करी बन के रेडी है। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।